सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। खबरां दी शुरुआत अहम खबर तो पटियाला कुछ नौजवानों वालों वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया है। तेजधार हथियारां नाल एक व्यक्ति नूं बेरहमी दे नाल कतल करन दा मामला सामने आया है। मृतक व्यक्ति दी पछाण साजन दे तौर ते हुई है। दरअसल मृतक व्यक्ति बीती रात रेलवे स्टेशन दे नेड़े अपने भरा दे दोस्तां दे नाल बैठा होया सी। कुछ नौजवानों ने उस ते हमला कर दिता ते उस दे पेट विच छुरे मार गए, जिस तों बाद साजन दे दोस्तां वालों उस नूं छुड़ाउण दी कोशिश कीती गई तां उन्हां वालों वी साजन दे दोस्तां ते वार कर दिता गया, जिस कारण ओह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गए ते साजन दी मौके ते ही मौत हो गई। जख्मी नौजवानां दा पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस वालों मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम अमित है। की गल होई है सारी है जिहड़ी एज इट इज गल ये हुई, असीं सारे खड़े सीगे उधरों आए आके मतलब लाइक आके काफ़ी बदतमीजी नाल बिहेव कर रहे सीगे। से उस तो बाद उन्होंने मैं असी ठंडा ठंडा करके कि चलो जी कोई नहीं, चलो तुसीं अपने राह जाओ, असीं अपने राह निकलीए। तो चार मुंडे पिछे हो गए, दो जिहड़े अगे सीगे, एक दूजे दा नाम सी उहदा, एक दा नाम सीगा निंजा, एक दा नाम घोड़ा। तो घोड़ा मेरे ब्रदर नूं मतलब लाइक पकड़ के मतलब जफ्फी पा के थोड़ा दूर तक लै गया। तो उस तो बाद इधरली साइड आपस ही एक दो तीन मुंडे आपस ही बहस कर रहे थे। तो उधरों देखा मेरा ब्रदर खून नाल लद्दा आ रहा सीगा। पुराने रंजिश वगैरह सी कोई नहीं, कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि होएगी नहीं, तो हमें कोई पेट च तो नहीं मारता, हो भी सकती है ऐसा। तो उन्होंने बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी। देखो कुनाल सडाना साजन की काम करता है, ये मेडिकल रैप च। फैमिली वगैरह इन्हों की वाइफ है, बेटी है, मम्मी पापा है, मैं हाँ, ब्रदर का बड़ा, दो सिस्टर ने। साढ़े नौ तो साढ़े दस के बीच हाले तक कुछ पुलिस ने सू कुछ दसिया नहीं, क्लीयर नहीं है हाले तक, लेकिन जल्दी ही कह रहे हो कुछ ना कुछ करने। पेट च मारे उन्होंने साढ़े चढ़ाने वाले पांच बंदे और फटड़ किए ने, जो उधर हाले भी एडमिट ने। एक तो अंगूठा फटिया गया, एक की छाती चल गया, पेट चल गया, वो सारे हाले उधर एडमिट ने। बट मेरे ब्रदर की मौके पर ही डैथ हो गई। हाँ मैं क्योंकि ब्रदर नूं लेके हॉस्पिटल निकल गया सीगा अपने, ते पिछों नहीं पता वो कितने गए किधर नहीं गए। रेलवे स्टेशन थाना नाग मंडी के नेड़े जो पैंदा उत्थे कुनाल सडाना इली साजन नाम का लड़का सी, जो अपने ब्रदर ते कुछ साथियों नाल उत्थों जा रहा सी। तो उत्थे इन्हां दा कुछ उत्थे उन्हां नाल झगड़ा वगैरह हो गया, जो इन्हां दी एंटी पार्टी सी कोई हितेश्वर घोड़ा ते कोई नीरज निंजा नाम दे व्यक्तियां नाल, जिन्हां ने दौराने कलैश उत्थे उन्होंने चाकूआं ते किरचां नाल हमला करता, जिस नाल इहदी दौराने रजिंद्रा इलाज दे विच मौत हो गई ते चार व्यक्ति है जो इंजर्ड ने जो दौराने इलाज ने। हाँ इन्हों ने दसण मुताबक इन्हों की कोई पुरानी तकरारबाजी आपस दे विच चलदी सी, वो चैक कर रहे हैं। नहीं फिलहाल कोई नहीं। पंजाब चोण वालियां नगर निगम अते नगर कौंसल चोणां नूं लै के राजनीतिक पार्टियां सरगर्म हुंदियां नजर आ रहियां ने, जिस दी तैयारी कांग्रेस वालों शुरू कर दित्ती गई है। सूबा कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि सूबे च होण वालियां नगर निगम चोणां नूं लै के कांग्रेस ने कई मंत्रियां दीआं ड्यूटियां लगा के उन्हां नूं जिम्मेवारी देनी शुरू कर दित्ती है। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि हुण जनता नूं वी राजनीतिक तौर ते भाजपा नूं मूंह तोड़ जवाब देना चाहीदा है, तां जो मुड़ पंजाब अते किसानी वल मूंह ना करन। पार्टी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन लैके जिस तरह वैल कोऑर्डिनेटेड तरीके, क्योंकि अज के दिन बहुत सारे उम्मीदवार जोड़े है हरेक सीट के उत्ते बड़ा एक हुंगारा है, इस पार्टी के वर्कर के अंदर इस गल का उत्साह भी है। उन्होंने देखते हुए जो जेन्यून वर्कर्स है वो कितने इग्नोर ना हो, सारे बनता उन्होंने जिम्मेवारी मिले, इस करके मीटिंग जिम्मेवार लाई जा रही है सारे MLA साहबान लीडर साहबान दी। देखो लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने जोड़ा एक जो जून तो अकाले कानून लैके आए है, देश के अंदर एडी इन्होंने एक अनिश्चितता का माहौल बनाता, लोगों के घर उजाड़न लगे है, उन्होंने जिंदगी उजाड़न लगे है, किसानों बेघर कर लगे है, मजदूर तो गुलाम बना लगे है। वो किसान तो बड़ा शांतिपूर्वक
अपना इन्ने समय तो संघर्ष कर रहे, पर हुण क्योंकि इन्होंने बीजेपी को अज कोई अपना मूँह छुपाण का या कोई तरीका है नहीं पिछली गली चो निकलता है, इस करके इस किस्म के इल्जाम लगा रहे, किसी मतवादी कह रहे हैं, किसी नक्सलवादी कह रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके चाहे रेलवे ट्रैक्स से बैठे सके, चाहे जे किसान जथेबंदियां टोल प्लाजा से बैठिया से, कितने कोई झगड़ा नहीं है। जदों तो हरियाणा सरकार से बीजेपी सरकार के हाथ लगे वो बाद इस किस्म की घटनावां हो रही हैं, तो आज इस किस्म के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये नाल भड़का रहे हैं। पर मेरी फिर भी बेनती है पंजाब के साथियों, क्योंकि हरियाणा च बीजेपी के लीडर भजाण चाहे हैलीपैड पट देन चाहे चीफ मिनिस्टर घेर देन उन्होंने जिम्मेवारी है। पंजाब के अंदर साढ़े लोगों को मेरी बेनती है थोनू राजनीति नाल मारे ते इन्हां नू राजनीति नाल ही सबक सिखाया जाए। सीसीटीवी च कैद तस्वीरां फगवाड़ा दियां ने, जिथे कि कुछ नौजवानों वालों एक नौजवान ते तेज धार हथियारां दे नाल हमला कर दिता गया, जिस कारण वह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। घटना दी इह तस्वीरां एक दुकान दे बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गईयां। तस्वीरां साफ देखा जा सकता है कि किवें नौजवान की बेरहमी दे नाल कुटमार की जा रही है। जख्मी नौजवान नूं सिविल हस्पताल विच भर्ती करा दिता गया सी, पर उसकी हालत गंभीर होने के चलदे डॉक्टरां वालों उस नूं जलंधर दे एक निजी हस्पताल दे विच रैफर कर दिता गया। हमले दे कारण दा हजे कुछ भी पता नहीं चल सकिया, पर पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है, मनोज नाम का मुंडा है, इतने फगवाड़ी का रहने वाला, ये किसी ने सट्टा मारी है। वो असं हॉस्पिटल गए, असं पता लग्या भी उन्होंने जो जॉब हॉस्पिटल रैफर कर दिता गया, और असं उतो जाके पता करने की कोशिश करा भी इन किए किया जा, बाकी उसकी स्टेटमेंट लैके जी बनती काफ़ी सी आया तो सामने सीसी कैमरे फोटो चाहिए सीसीटीवी कैमरे के इतने कैमरे च आया तो है, बट वो क्लीयर उही दसेगा, इन्हें क्लैरिटी नहीं है, बस अभी बाकी तो होर क्लीयर करा लैके तो टी वी आर वगैरह भी की है दसेगा उही हाले तक तो नहीं है कोई, यदा परिवारिक मैंबर भी कोई नहीं मिले इतने, ये सिर्फ अभी सूँ सूचना मिली अभी इतने आके अपने लैवल से ही कड़ने जड़ी तो सूँ हाले तक कोई इनफॉर्मेशन नहीं किसी पास। सूत्रा दे हवाले तो अहम खबर, हवस आदमी नू किस हद तक नीच बना सकती है, इसकी कोई ना कोई मिसाल मिलती रहती है, पर सभ्यक समाज जदो एक पिता वालों अपनी ही नाबालिग बच्ची दे नाल लगातार बलात्कार करने की घटना सामने आती है, ता सुनन वाले का कालजा फट जाता है। अजिहा एक मामला सामने आया लंबी थाने दी चौंकी भाईका केरा अधीन आंदे एक पिंड च, जिथे तीन शादीशुदा बच्चिया का 50 साल का पिता अपने नाल रहिंदी इकली नाबालिग धी नाल जबर जनाह कर रहा सी, ते अंत इह जुलम बर्दाश्त करदी बच्ची ने यह तकलीफ मिलन आई अपनी भैन अते जीजे नूं दसी, जिन्हां ने पुलिस नूं सूचित कीता। चौंकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमरीक सिंह अते महिला SI अमनदीप कौर ने कुड़ी दे बयान लेके उसका मेडिकल कराया। पुलिस ने उक्त दोषी बलजिंदर सिंह पुत्र पाला सिंह विरुद्ध 376/506 IPC अते 6 POSCO Act 2012 तहत मामला दर्ज कर दिता है, अते दोषी नूं जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब विच केंद्र सरकार दे तीन खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध चल रहे किसान अंदोलन दे विचकार रिलायंस कंपनी दे स्टोरां पंपां ते टावरां नूं नुकसान पहुंचाउंदियां घटनावां वापरियां ने। इस नूं लै के रिलायंस इंडस्ट्रीज दी जियो इन्फोकॉम कंपनी दे अधिकारी यशपाल मित्तल दी तरफों पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच पिटीशन दायर कीती गई सी। पंजाब च रिलायंस जियो दे टावरां नूं नुकसान पहुंचाउण दे मामले च रिलायंस वल्लों दायर पिटीशन ते पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब अते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता है। पंजाब सरकार ने सुनवाई दौरान कहा कि सरकार ने सारे जिलों में 1000 तो वध पेट्रोलिंग पार्टियां अते नोडल अधिकारी नियुक्त किए ने, ता जो रिलायंस की जायदाद नूं कोई नुकसान ना होवे। पंजाब सरकार ने कहा कि वो इस मामले विच गंभीर है, मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी तय की गई है। उधर किसान अंदोलन हुण होर तेज हुंदा जा रहा है, अंदोलन जिन्ना लंबा खिंच रहा है उन्ना ही विशाल हुंदा जा रहा है। लोग वख-वख ढंग नाल विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार दे खिलाफ अपना रोस प्रगट कर रहे ने। हुण पंजाब दे जिला गुरदासपुर च दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेस वे दा भी जोरदार विरोध हो रहा है। किसाना ने ऐलान कीता है जदों तक केंद्र सरकार खेती कानूनां नूं रद्द नहीं करेगी उदों तक उह अपनियां जमीनां एक्सप्रेस वे बनाउण लई नहीं देणगे। अजिहे विच काम रोकण नाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे सरकारी अधिकारी कसूते घिर गए ने। दसदे कि दिल्ली तो जम्मू दे कटड़ा तक तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाना है,
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। Are you worried about your child's future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to 9th and plus 1 in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyadwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 9988472857.